राष्ट्रीय सम्मेलन में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, नीति आयोग के सदस्य और हमारे पड़ोसी राज्य के मूल निवासी, और जिन्होंने बहुत कारगर्दी और सरल तरीके से बहुत सारी बातें हम सबके सामने रखी, भारत की सरकार काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर विनोद कुमार पाल जी, स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय दसमाना जी, और जो दसमाना जी ने काम संभाला था बहुत छोटी आई थी, 25 साल के थे, सबसे लगातार विश्वविद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जो समर्पण भाव है उसके कारण से आज हम देखते हैं कि ये विश्वविद्यालय किस प्रकार से लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। डॉक्टर विजय दसमाना जी, कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, हिमालयन आयुर्वेद संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक देवारी जी, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु जी, सचिव डॉक्टर सिराज मोहम्मद अली जी, एनसीपीएचई के सचिव डॉक्टर सुधीर कावरा जी एवं सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण देशभर से आए हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा के विद्वान, हमारे सभी प्रोफेसर डॉक्टर, और जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, मैं विश्वविद्यालय में आया, वहीं जो देश विदेश से बहुत सारे हमारे विद्वानगण यहाँ पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कौशल और अनुरूपण उत्कृष्टता केंद्र के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, और सच में जो अभी दसमाना जी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, वो वास्तव में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को, हमारे कामों को बहुत आसान बना देती है। और हमने देखा अभी जिस प्रकार से सारे लैब के अंदर जाकर, जहां पर हमारे नौनिहाल हमारे बच्चे MBBS वाले, MD वाले, MS वाले सब जो ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने उनके लिए एक आसान रास्ता बना दिया, एक उनके आगे भविष्य में चिकित्सा के लिए एक बहुत ही शानदार रास्ता बना दिया, पूरी तरह से उनको स्किल करने का काम यहां पर किया। उसका लोकार्पण के अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं युवा साथियों के बीच, और जब भी कोई विश्वविद्यालय का कार्यक्रम होता है, किसी विद्यालय का कार्यक्रम होता है, कोई छात्रों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है या विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, तो मैं अत्यधिक व्यस्तता के बाद मैं अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसी को देता हूं तो ऐसे कार्यक्रमों को देता हूं, इसमें आना चाहता बताऊं। तो अभी चूंकि आज का कार्यक्रम भी मेरा, क्योंकि यहाँ से कौन साहब हैं, वहाँ चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव में मेरी भी तो ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, तो लगातार मेरा वहाँ आना जाना है, लेकिन मैंने आज वहाँ थोड़ा उनसे अनुमति मांगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही दसमाना जी को कहा था मैं जरूर इस कार्यक्रम में आऊँगा, तो आप सबके बीच में पहुँचा, और यहाँ पहुँचकर सच मायने सच में सभी हमारे विद्वानों ने जितने यहाँ पर अपने विचार देखे, आपके विचारों से एक नई ऊर्जा
मेरे अंदर भी आ गई और मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद और तेजी से और ऊर्जा से और उत्साह से और उमंग से मैं भी काम करूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे यहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं, सबके अंदर खुशी है। इस अवसर पर मैं हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक परम गुरुदेव श्रद्धेय स्वामी राम जी को नमन करता हूँ। स्वामी राम जी को नमन करता हूँ कि जिनकी तपस्या के कारण से, जिनके आशीर्वाद से यहाँ पर एक शानदार ये परिसर बन गया है। और जैसा अभी भस्माना जी कह रहे थे मुझे बातों बातों में कि हम तमाम जगह से दूर विश्वविद्यालय के, हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के, मेडिकल कॉलेजों के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ इनको भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। स्वामी राम जी एक महान मानवतावादी दार्शनिक शिक्षक एवं श्रेष्ठ कर्मयोगी थे। स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका कौशल प्रदान करके इस पहाड़ी राज्य में अवसरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। और वास्तव में ये नाम ही अपने आप में पूरे हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है या हिमालयन राज्यों की जो बात है उसको भी सामने रखता है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग की जो बैठक हुई तो उस बैठक में मैंने हिमालयन राज्यों की बात करी थी वहां पर कि होता क्या है कि इस जैसे राज्य है हमारा तो पूरे राज्य की जो हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 है, लेकिन पूरे साल भर हमें 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से करनी पड़ती है। कम से कम 6 करोड़ लोग पूरे साल भर देश भर से आवागमन ना करते हैं। तो डॉक्टर पॉल साहब, हमको जो है जो आपकी तरफ से जो हमारा शहर है वो 1,25,00,000 का नहीं है बल्कि हमारा जो है 7 करोड़ से ऊपर का है। तो उस पर मैं हमेशा से बात करता रहा अभी क्योंकि आप सामने दिखे और हिमालय इंस्टीट्यूट के नाम से मुझे सब याद आ गया था। और मैंने वहां भी रखी थी ये बात, आपको शायद ध्यान होगा, जहां स्वामी राम जी का दृढ़ मत था कि मानव शरीर भगवान का मंदिर है और अपने साथी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा करना ही ये प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। उनकी प्रेरणा से आज संस्था उत्तराखंड व देश में पिछले 30 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। वैसे तो अस्पताल में आना किसी को अच्छा नहीं लगता, बड़ा खराब होता है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अस्पताल में कई महीनों रहकर एक बार अपनी छोटी बहन का मैंने इलाज करवाया, अंततः उसका देहांत हो गया बाद में। फिर करीब 4-4.5 महीने में अपने पिताजी के साथ मैं रहा अस्पताल में, तो मैंने तब देखा कि जो पेशेंट होता है वो तो लेता ही होता है, लेकिन उसके साथ जो लोग होते हैं जिनको तीमारदार बोलते हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब होती है, मानसिक स्थिति भी बड़ी खराब होती है। और छोटी छोटी बातों में अगर डॉक्टर ने थोड़ा सा बता दिया कि आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो पेशेंट को तो वो अपनी स्थिति में होता है, लेकिन जो साथ में होता है वो भी पेशेंट से जुड़ जाता है। पता नहीं आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा, तो उसको थोड़ा सा भी दर्द होगा तो ऐसा लगेगा कि खुद को दर्द हो रहा है, तो ये मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अस्पताल आने का किसी को मतलब किसी को भी भगवान जो है अस्पताल न भेजे, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिसर में आकर आप तो आपने बुलाया, उसे हम दिखने हैं, कुछ लोगों को देखने भी आ गए थे जिसमें आपके भी हैं, तो यहां पर आकर अत्यंत ही हर्ष का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। इस परिसर के अंदर हरियाली है, साफ सफाई है, अच्छा एक यहाँ का परिवेश है,
उसको देखकर हमेशा लगता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप इस विश्वविद्यालय का परिसर स्वच्छ है, हरा भरा है, इसका वातावरण शांत है और एक अलग सी फीलिंग यहाँ आकर है। और मैं समझता हूँ कि पूज्य गुरुजी की गुरुदेव की सुगंध इस पूरे परिसर में फैली है। इसके कारण आज ये हिमालयन आयुर्वेदिक संस्थान प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहा है, क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत लोग आते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका इलाज कहाँ चला, आयुष्मान भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसको चलाया है, उसके रोगियों को भी, उसके उसके लाभार्थियों को भी बहुत, मतलब मैं कहूँ कि अच्छे प्रकार से यहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हमारी सरकार भी चिकित्सा सुविधाओं के सुधार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पर जहाँ आज हिमालय इंस्टीट्यूट हमारा इतना अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर, वहीं इसके बगल में एम्स भी खुल गया, वहां भी हजारों लोगों की उपलब्धि है। और इस राज्य के लिए एक एम्स यहाँ खुला हुआ है, एक एम्स उधम सिंह नगर में भी स्वीकृत हो गया है, वह भी जल्दी ही उसकी भी बिल्डिंग बन जाएगी। इसके साथ साथ इसी जिले के बगल वाले जिले में हरिद्वार में वहां हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में। उधम सिंह नगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज हमारा वहां भी चालू होने वाला है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इस राज्य में जो हमारे हिमालयन राज्य, हिमालयन राज्यों में अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो जहां चिकित्सा बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दूर दूर गांव हैं और गड्डियां हैं, हर जगह पर उस प्रकार की सुविधा आना अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे उसको बनाया जा रहा है। जहां चिकित्सा के क्षेत्र में चुनौती, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी चुनौती, और हमने इन दोनों ही क्षेत्रों में संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दोनों को सुदृढ़ करेंगे, दोनों को अच्छा बनाएंगे, सबके लिए सरल बनाएंगे, सुगम बनाएंगे, सबको ये चिकित्सा और शिक्षा दोनों मिले, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने राज्य में अभी निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को करने की निःशुल्क व्यवस्था की है। आज प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है, प्रत्येक जिले में कोरोना महामारी के समय में भी ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए गए हैं, आईसीयू बेड बनाए गए हैं, और जब महामारी आई उस समय में यहाँ हमारे यहाँ पर मैं कहूँ कि पूरे देश की ये स्थिति होगी पौधा कि ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, सिलेंडर बहुत कम थे, ऑक्सीजन के हमारे कंसंट्रेटर बहुत कम थे, मास्क नहीं थे, उस समय में पीपीपी किट भी यहाँ नहीं बनती थी, बहुत परेशानी भी शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे उसी दौरान एकदम से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जहां देश के अंदर ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये सैकड़ों गुना नहीं हजारों गुना हो रहा, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी और WHO भी ये सोच रहा था कि महामारी जब भारत के अंदर आएगी तो भारत का बुरा हाल हो जाएगा, भारत कैसे इससे संभल पाएगा, कैसे व्यवस्थित हो पाएगा, जहां क्योंकि हमारे यहां तो एक छोटे से संस्कार, अगर मैं कहूं नामकरण संस्कार, उसमें भी सैकड़ों लोग, 100-200 लोग आना सामान्य घटना है। जन्मदिन की पार्टी होगी तो उसमें भी 100-200 लोग आएंगे, शाम को कोई
और भी संस्कार होते हैं, कोई गोद भराई है, कहीं पर जो है हमारा टीका है, कहीं पर अलग जो छोटे छोटे संस्कार, उसको प्री वेडिंग बोलते हैं, उसमें भी सैकड़ों लोग आते हैं। ऐसे समय में कैसे व्यवस्थित होगा? तो ऐसा ये समय बड़ा चुनौती वाला था हमारे सबके सामने। मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, जहां हमने इस कठिन चुनौती के दौर में भी अपने को व्यवस्थित किया, वहीं आप सब जैसे विद्वानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने एक साल के अंदर ही एक नहीं दो दो जो स्वदेशी वैक्सीन थी वह भी बनाने का काम भारत के वैज्ञानिकों ने और सरकार ने किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इतना ही नहीं, जो हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हमेशा से अयम निजम परोपेजी गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वैसु भैवम कुटुम्ब कुटुम्ब, ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार की बात वह लोग करते हैं जिनके चरित्र और चित्त बहुत छोटे होते हैं, जिनके चित्त बड़े होते हैं, लेकिन जिनका मन बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है, उनके लिए तो पूरा संसार अपने घर के समान है, अपना घर है। तो ऐसे समय में जब दुनिया जूझ रही थी, तो भारत की सरकार ने वैक्सीन बनाई, भारत के लोगों को एक डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज भी लगाने का काम किया, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। यह भारत की संस्कृति, कठिन समय में भी दूसरे लोगों को मदद करना, जो हमारे संस्कारों में रहा है। हमेशा से हम कहते हैं कि सारा संसार हमारा घर है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तराखंड आयुष्मान योजना हमारे यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने उसको आच्छादित किया है। इसमें 42,90,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड उत्तराखंड के अंदर अभी तक बन चुके हैं। आपको यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता होगी कि 5,83,000 से अधिक मरीजों ने अभी तक मुफ्त में इस योजना से अपना उपचार करा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 1,020 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। राज्य के अंदर हमने कोविड महामारी के दौरान भी कोशिश करी, क्योंकि बड़ा कठिन समय हो गया था, यहाँ पर कुछ चल नहीं पा रहा था। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यावरण मित्र, सभी को हमने अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी। यह भी आप सबको जानकर हर्ष होगा कि हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से उत्तराखंड रक्तदान में भी देश भर में भी दूसरे स्थान पर रहा। और आज ही प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने छात्रों को सही ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण से सज्जित करना होगा। यह आज के समय की भी मांग है। और कोविड महामारी ने भी हमको यह सिखाया है कि हमको हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। और इसने हमें सिखाया कि मेडिकल कॉलेज जो जिलों और उपजिलों के केंद्रों के रूप में काम करते हैं, उनको नियमित शिक्षण के साथ साथ ई शिक्षण, ई एजुकेशन, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, तथा ई मॉड्यूल और टेलीमेडिसिन से, कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन से भी पूरी तरह से सुसज्जित रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम हर प्रकार की चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट बने और भविष्य की जो भी समस्याएं हैं उनका हम सफलतापूर्वक सामना कर पाएं। आज के हमारे मेडिकल छात्र ही भविष्य के भारत में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का निर्धारण करेंगे, इसलिए उनकी स्किल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। जैसे अच्छी स्किल होगी तो हर कोई उनके पास जाएगा। ये ऐसे ही हो जाता है कई बार, बहुत अगर नजदीकी डॉक्टर है, अच्छा इलाज अगर नहीं करता, हमारा बहुत करीबी भी होगा तो हम उसके पास जाएंगे। बोलता सिफारिश करने में जब कई बार ऐसा होता है कि सिफारिश करते हैं लोग, तो हम कहते हैं उससे कि जो है भाई गाड़ी में आप कौन सा वाला ड्राइवर पसंद करेंगे, जो अच्छी गाड़ी चलाता है, लंबा जिसको अनुभव है, या जिसने नई नई गाड़ी सीखी और आधी अधूरी सीखी है। तो इसलिए ऐसे समय में जो हमारे विद्वान लोग हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षक हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो अच्छे स्टूडेंट को नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो हमारी सीरीज चलती है वो सीरीज कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए, एक चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए। इसलिए हमको बहुत सजग होकर और बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि जागरूक होकर पूरी संवेदनशीलता के साथ इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए और इस चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें रोगियों के कल्याण के लिए भी चिकित्सा शिक्षा से जुड़े छात्रों के कौशल और उनके व्यवहार को, जो हम लोग हमेशा से ये कहते आए और देखा भी है, आप लोग भी कभी जब छोटे होंगे तो मेरे को अपनी सुई लगाने से भी बड़ा डरता था, डॉक्टर ने बड़ा समझाया मुझे, एक बार बुखार हो गया बचपन में, उन्होंने कहा कि सुई लगाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, तो तब मैंने सुई लगाना जो है तब मैं उनकी बात मान गया और सुई लगी तो मैं ठीक भी हो गया। तो फिर भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं, मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं महसूस की, अगर डॉक्टर अच्छे से कह देगा शुरू में कि बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवहार कर दिया, ये कर दिया, तो आधी चीजें तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। मतलब अच्छा संवाद, अच्छा कम्युनिकेशन और घर चला जाएगा और उसका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। और डॉक्टर ने कह दिया कि अभी तो तुम 5 दिन बाद आना, तब तुम्हारा जो है एक्सरे करेंगे, तुम्हारे पेट में क्या है, पत्थर तो नहीं है, पेट में कोई फोड़ा तो नहीं है, तो पता चला वो 5 दिन बाद जब एक्सरे करवाने या अल्ट्रासाउंड करवाने आएगा, 5 दिन तो उसको नींद ही नहीं आएगी, पता नहीं क्या क्या सोचेगा, कितने विचार आएंगे उसके। तो डॉक्टर को जहाँ अच्छा चिकित्सक तो डॉक्टर होता ही है, उसके साथ साथ उसको अच्छी साइकोलॉजी वाला भी होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छी साइकोलॉजी होना भी बहुत जरूरी है। मेरा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से भी मेरा आग्रह रहता है कि चिकित्सा शिक्षा, ई लर्निंग और सिमुलेशन लैब के लिए मजबूत मॉड्यूल विकसित करने हेतु हमारा आपस में भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। मैं पिछले दिनों एम्स गया था तो वहां भी मैंने उनसे, डॉक्टर मीनू सिंह जो डायरेक्टर हैं उनसे मैंने कहा था, आग्रह किया था कि आप हमारे अन्य मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक हैं या उनकी फैकल्टी है उनसे भी कहीं ना कहीं आपस में समन्वय करें, उनसे भी कहीं ना कहीं बात करें, जिससे कि कुछ नई टेक्नोलॉजियां जो लगातार आप लोगों के अनुसंधान होते रहते हैं, रिसर्च होती रहती है और कुछ लोगों को पहले पता लग जाती है, कुछ लोग ज्यादा एडवांस होते हैं, तो जो लोग ज्यादा एडवांस हैं उनको दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। इसके लिए आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपको इस दिशा में हर संभव जो भी हमारा सहयोग है हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने सरकार में आते ही एक मंत्र, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, यानी कि हर काम को सरल करना है, जितना सरल हो सकता है, सरल से सरल आसान पद्धति जो हो सकती है उसको हम करें, उसका सरलीकरण करके उसका रास्ता निकालें, वो कोई समस्या है तो उसका समाधान करें, और बड़ी बड़ी फाइलें जो चलती रहती हैं उनको नो पेंडेंसी में डाल दें, यानी कि उनका निस्तारण करें, उनको बाहर करें, उसमें जो भी उसका रिजल्ट है या जो भी उसका परिणाम आना है उसको करें। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने, मैं विशेष करके आदरणीय धस्माना जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सारे विद्वान लोगों से, देश भर के आए हुए विद्वानों से मिलने का अवसर प्रदान किया और आप सबके वक्तव्य सुनकर निश्चित रूप से हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा और इस दिशा में हम लोग और ज्यादा सकारात्मक से, ज्यादा ऊर्जा से काम करेंगे। पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।